जावास्क्रिप्ट के अंदर अब तक हमने काफ़ी सारे लूप्स को कवर अप कर लिया है यहाँ पे, जैसे कि फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप और नेस्टेड फॉर लूप तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज के वीडियो के अंदर हम लोग वाइल लूप करने वाले हैं और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग, सॉरी नॉट वाइल लूप, नेस्टेड डू वाइल लूप करेंगे और उसके बाद हमारा एक पेंडिंग चलेगा नेस्टेड डू वाइल लूप। और भी दो लूप्स पेंडिंग हमारे रहेंगे जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, उसको जब हम ऑब्जेक्ट्स और एरे पढ़ेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे उस टाइम पे। ठीक है, सो मेक श्योर अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पे मैं आ गया अपने फोल्डर में और मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखा है यहाँ पे नेस्टेड वाइल लूप के नाम से। इसको अगर हम रन करें तो करेंटली ये एम्प्टी है, मैंने इसके अंदर कुछ भी कोड नहीं किया हुआ है। सो इसको सिंपल सा है, इसको हम अपने किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर इसको ओपन कर लेते हैं। तो करेंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर और हेडिंग दे दिया मैंने यहाँ पे, टाइटल दिया है मैंने नेस्टेड वाइल लूप। ठीक है, और स्क्रिप्ट टैग हमें बेसिक सा लगा लेना है, आई थिंक इतना जूम सफिशियंट रहेगा। इसके बाद मैं बना लेता हूँ एक वेरिएबल, लेट अस सपोज आई नेम से, आई इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू दे दिया मैंने आई को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नेस्टेड वाइल लूप है तो जैसे वाइल लूप के अंदर हमारे तीन स्टेटमेंट्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, या फिर जिसको हम अपडेट कहते हैं, सेम चीज़ें यहाँ भी हम फॉलो करने वाले हैं। वाइल लूप के अंदर क्या था, हमने देखा कि कैसे फॉर लूप से अलग है, फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन जो होता है तीनों स्टेटमेंट एक साथ होते हैं, लेकिन वाइल लूप में जो वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करते हैं एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन ही उसकी वैल्यू को हम असाइन कर देते हैं। सो सेम चीज़ यहाँ हम फॉलो कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो सेम मैंने डू वाइल वाइल नेस्टेड वाइल लूप के अंदर भी सेम चीज़ कर रखा है। अब नेस्टेड वाइल का मतलब है वाइल लूप इनसाइड वाइल लूप, मतलब एक वाइल लूप होगा उसके अंदर एक और वाइल लूप होगा। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि कम से कम एक ही वाइल लूप उसके और अंदर होगा जिसको हम इनर लूप या आउटर लूप कहते हैं, कम से कम दो लूप्स होने चाहिए हमारे पास वाइल लूप के, एक आउटर एक इनर, तो हम इसको कहेंगे नेस्टेड वाइल लूप। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना दिया जिसका नाम दिया मैंने आई और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वाइल। देखिए वाइल का अगर मैं हिंदी में मीनिंग बताऊँ तो इसका मीनिंग होता है जब तक, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आई लेस देन इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे आके हमारे ब्रेसेस स्टार्ट और ब्रेसेस क्लोज, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा सिंपल सा एक प्रिंट करने का मैसेज, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और जो भी हमें यहाँ पे प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो उसको ऑब्वियसली बात है मैं बोल्ड टैग में रखूंगा जैसे कि हमने फॉर और बाकी लूप्स के अंदर देखा था। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटर लूप। ठीक है, और कर दिया मैंने इसको सिंपल तरीके से सेव। यहाँ पे एक बार इसको हम एज इट इज़ कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे मैं उसको 3 बार पेस्ट कर देता हूँ। सो सबसे पहले लिख दिया मैंने आउटर लूप और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो भी आई की वैल्यू है वो हो जाए प्रिंट, और इसके बाद हमें करना है आई को प्लस प्लस, और इसके बाद हम चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर एक ब्रेक लग जाए। ठीक है, सेव करते हैं फिलहाल इतने को ही। और इसके जस्ट बाद ये तो हो गया आउटर लूप, अब हमें बनाना है इनर लूप जिससे ये नेस्टेड वाइल लूप कहलाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ये एज इट इज़ जो भी आप स्क्रीन के ऊपर कोड देख रहे हैं ना, पहले तो इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आकर के मैंने कर दिया उसको पेस्ट। कुछ चीज़ें हैं जो हमें रिमूव करना पड़ेगा, उसको मैं अभी हटा देते हैं यहाँ से, लेकिन उससे पहले इसकी अलाइनमेंट मैं सही कर लूँ ताकि ब्रेसेस वगैरह सही जगह पे क्लोज और स्टार्ट हम चेक कर पाए। ये यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ क्लोज हो गया, इस वाइल लूप का जो ब्रेसेस है वो यहाँ स्टार्ट हुआ और इसको हमें क्लोज भी करना है तो वो यहाँ क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन में रख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक वेरिएबल जे जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू दे दी है मैंने 1, चेक किया मैंने जब तक जे छोटा या बराबर है 5 के तब तक क्या करे, इसको लिखे इनर लूप, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आ जाएगा हमारा जे और यहाँ पे हो जाएगा हमारा जे प्लस प्लस। बाकी सब कुछ सेम है, मैं इसको सेव करता हूँ और एक बार आपको रन करके चेक करा दूँ स्क्रीन के ऊपर हमारे पास रिजल्ट कुछ ऐसा आया है। और क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है तो ये जो बोल्ड टैग है ना, आप चाहो तो इसकी जगह पे स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके कारण ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, तो अब मैंने उसको सही कर दिया। तो सेम आउटपुट सेम आ रहा है, तो अगर आप देखो तो आउटर लूप 1, लूप 2, लूप 3, आउटर लूप 1 के अंदर इनर लूप 1, 2, 3, 4, 5 और सेम इसके अंदर, सेम इसके अंदर, तो
तो अब मैं इसकी वर्किंग समझाने के लिए मैंने इसको लिखा हुआ है, तो आपको टेबल वगैरह बना के मैं बेटर तरीके से समझा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ वैल्यूज़ को यहाँ से हटा देता हूँ, जैसे कि इसको मैं कर देता हूँ 2, और इसको भी मैं 2 तक चलाता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और कम टाइम के अंदर आपको मैं वर्किंग समझा पाऊँ। तो कुछ ये रहेगा, और सेम आप 3 और 5 के लिए भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल सिर्फ इसको कंसिडर करने वाला हूँ, ठीक है। सो मैंने पेंट के अंदर यहाँ पर इसको कॉपी कर रखा है एज इट इज़, और ये जूम आई थिंक इतने में आपको दिख जाना चाहिए। तो इसको हम लोग कंसिडर करने हैं 2 तक, और इसको भी हम लोग कंसिडर करने वाले हैं 2 तक, ठीक है। अब देखो ये जो है ये आउटर लूप है। एक बार ये कंडीशन सही हो गई, इट मीन्स ये पूरा का पूरा लूप चलेगा। और लूप का एक फंडा ये है कि एक बार आप इनर लूप के अंदर आ गए, तो तब तक आप इनर लूप से आउटर लूप के बाहर नहीं जाएंगे, इस नहीं जाएंगे जब तक इनर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है अपने। तो आई की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी दी है हमने? 1। तो क्या 1 छोटा या बराबर है 2 के? कंडीशन सही है, तो आ गया वो अगली लाइन पे जहाँ पे लिखा था कि भाई स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दे आउटर लूप। तो अगर मैं यहाँ पे आपको चेक कराऊँ तो हमारे पास स्क्रीन के अंदर प्रिंट हो गया आउटर लूप, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे आउटर लूप, ठीक है। नीचे आया वो, और उसके बाद लिखा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो भी आई की वैल्यू है वो प्रिंट कर दे। तो आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 है, तो उसने साथ में प्रिंट कर दिया 1। और नीचे आया कहता आई प्लस प्लस, आई की जो भी वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दे। आई की वैल्यू है हमारे पास 1, 1 + 1 कितना हो गया? वाई बन गया है हमारे पास 2। नीचे आया कहता न्यू लाइन पे चले जाओ, वो चला गया इस जगह पे, न्यू लाइन पे आ गया। और नीचे आया, उसको एक वेरिएबल मिला जे, जे की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है? 1। कंडीशन चेक किया, क्या 1 छोटा या बराबर है 2 के? कंडीशन सही है, अब वो इनर लूप में आ गया, ठीक है। तो अब वो इनर लूप से तब तक बाहर नहीं जाएगा जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो वो आया अंदर और उसने चेक किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कहता कुछ लिखना है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है क्या लिखना है? इनर लूप, उसने प्रिंट कर दिया इनर लूप। नीचे आया अगली स्टेटमेंट पे, कहता आई की जे की जो भी वैल्यू है ना वो प्रिंट कर दे। जे की वैल्यू कितनी है? 1, साथ में प्रिंट हो गया 1, तो प्रिंट हो गया अब तक इनर लूप 1। नीचे आया कहता जे प्लस प्लस, जे की जो भी वैल्यू थी उसमें 1 ऐड कर दे। जे की क्या वैल्यू थी? 1, 1 में ऐड किया और 1, तो बन गया जे 2। नीचे आया कहता न्यू लाइन पे चले जा, तो वो चला गया यहाँ पे, लेकिन कुछ प्रिंट नहीं हुआ। कंडीशन सही है, तो ये यहाँ से लौट गया हमारे पास इस जगह पे वापस, और जे से कंडीशन चेक करना शुरू किया। जे प्लस प्लस होके कितना बन चुका था? 2। तो अब कंडीशन चेक हुआ मेरा, क्या 2 छोटा या बराबर है 2 के? तो भाई छोटा तो नहीं है, लेकिन हाँ इक्वल जरूर है। नीचे आया, नीचे आके कहता डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिखा है इनर लूप लिख दे, तो उसने लिख दिया इनर लूप। नीचे आया और नीचे आया, चेक किया, कहता जे का जो भी वैल्यू है ना उसको प्रिंट कर। तो जे की क्या वैल्यू है हमारे पास? 2 है, तो उसने प्रिंट कर दिया साथ में इनर लूप 2। और नीचे आया कहता जे का जो भी वैल्यू है ना उसमें 1 ऐड कर दे। तो जे की पिछली वैल्यू क्या थी? 2, 2 में 1 और ऐड किया, तो अब जे जो है वो बन गया 3। नीचे आ गया, कहता डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर, चला गया वो कहाँ पे? यहाँ पे न्यू लाइन के अंदर आ गया वो, और फिर वो यहां से लौट गया इस जगह पे, ठीक है। कंडीशन चेक किया, क्या जे छोटा या बराबर है 2 से? जे कितना बन चुका था हमारा? 3। कंडीशन चेक हुआ, क्या 3 छोटा या इक्वल है 2 के? तो भाई ना तो ये छोटा है और ना ही ये इक्वल है, कंडीशन हो गया फॉल्स। तो वो यहां से लौट गया अपने आउटर लूप के पास, ठीक है। अब वो जब आउटर लूप के पास लौटा तो आई प्लस प्लस होके भी 2 बन चुका था, तो अब कंडीशन चेक किया उसने, क्या 2 छोटा या बराबर है 2 के? कंडीशन सही है। नीचे आ गया, कहता डॉक्यूमेंट डॉट राइट आउटर लूप प्रिंट कर दे। ऑलरेडी हम बी आर के थ्रू यहां पे आ चुके थे, तो उसने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दिया आउटर लूप, ठीक है। नीचे आया, कहता डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई की जो भी वैल्यू है वो स्क्रीन के ऊपर लिख दे। आई की क्या वैल्यू है हमारे पास? 2, तो उसने लिख दिया 2, तो ये बन गया ओवरऑल आउटर लूप 2। नीचे आया कहता आई की जो भी वैल्यू है ना उसमें 1 ऐड कर दे। आई की पिछली वैल्यू कितनी थी? 2, 2 में 1 ऐड कर दिया, तो बन गया ये 3। और नीचे आया कहता एक न्यू लाइन पे चले जा, तो वो चला गया इस जगह पे, ठीक है। अब वो नीचे आया, इसको भूल जाओ, ये एक ही बार चलता है और ये भी एक ही बार चलता है। यहां पे आया, खैर हम चलाएंगे तो फिर भी उसको 1 से ही। यहां पे आया कहता जे लेस देन इक्वल्स टू 2, जे की क्या वैल्यू है हमारे पास? 1 है, तो क्या 1 छोटा या बराबर है 2 के? कंडीशन सही है। अब कंडीशन अगर ट्रू है तो वो आ गया न्यू लाइन के अंदर जहां पे लिखा था इनर लूप प्रिंट करे, तो उसने प्रिंट कर दिया इनर लूप। वो चला गया न्यू लाइन पे जहां लिखा था आई की वैल्यू प्रिंट कर दे, तो आई की जो भी, सॉरी अब हम जे के अंदर है, तो जे की जो भी वैल्यू थी वो प्रिंट कर दे। तो जे की क्या वैल्यू चल रही है अभी हमारे पास? 1, तो कहता 1, तो ओवरऑल आंसर आ गया हमारे पास इनर लूप 1।
नीचे आया जे की जो भी वैल्यू थी उसमें एक ऐड कर दे, जे था हमारे पास वन से शुरू हुआ था, अब ये बन गया प्लस प्लस होके टू। नीचे आया कहता न्यू लाइन पे चला जाओ, वो चला गया न्यू लाइन पे और यहां से वो लौट गया वापस। जे हमारा दो बन चुका है, कंडीशन चेक किया, क्या दो छोटा या बराबर है दो के? तो भाई छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर जरूर है, कंडीशन सही है। यहां पे आ गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट इनर लूप, उसने प्रिंट कर दिया इनर लूप। नीचे आया जे की जो भी वैल्यू है प्रिंट कर दे, जे कितना था दो, प्रिंट हो गया दो। नीचे आया जे प्लस प्लस, जे ऑलरेडी हमारे पास तीन था, जे हमारे पास दो था, दो प्लस एक बन गया हमारे पास ये तीन। नीचे आया कहता न्यू लाइन पे चला जा, वो चला गया न्यू लाइन पे और फिर वापस ये लौट गया कंट्रोल यहां से यहां पे। अब जे कितना है प्लस प्लस होके बन चुका है हमारे पास जे तीन, चेक किया क्या तीन छोटा या बराबर है दो के? ना तो ये छोटा है और ना ही ये बराबर है, कंडीशन हो गया फॉल्स। ये लौट गया अपने आउटर लूप की तरफ और आई प्लस प्लस होके ऑलरेडी कितना था हमारे पास तीन, चेक किया इसने क्या तीन छोटा या बराबर है दो के, जो आई की कंडीशन है, ना तो छोटा है ना इक्वल है। तो ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट से बाहर आ गया और जो भी है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हमारे पास रिजल्ट है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा और कोई आपको डाउट नहीं होगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये बताएं जरूर कमेंट्स में, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के यहाँ पे आइकन्स में मेरे सोशल मीडिया के लिंक हैं, आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर जाएंगे तो गूगल जैसी वेबसाइट कैसे बनाए, फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स और भी बहुत सारे लेक्चर्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, कॉलेज का प्रोजेक्ट आप आसानी से बना पाएंगे। सो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।